गुजरात विधानसभा की चूंटणी ने लईने भाजप कांग्रेस में उम्मीदवार पसंदगी कामगिरी वच्चे आज अमदावाद में पाटीदार संस्थाओं की बैठक आयोजित थई छे। जो कि पाटीदार संस्थाओं की आ बैठक में त्रण मुख्य संस्था आगे गैरहाजर रहना है। मात्र उंझारी उमियाधाम और सीतसर संस्था आगे उपस्थित रहना है। आ बैठक में गैरहाजर रह पाछड़ विश्व उमियाधाम प्रमुख आरपी पटेले कहूं कि बहार है, आथी हाजरी नहीं आपी शके। जारे के खोलधाम ट्रस्टी दिनेश कुंभाणीए ने पूछा विना मीटिंग आयोजन करू तेथी हाजर नहीं रही शके स्पष्टता आपी तो खोडलधाम ट्रस्टी रमेश टीलाड़ाए नरेश पटेल बहार होवाथी हाजर नहीं रही शके तेवो दावो कर्यो। गुजरात में चूंटणी जाहिर थता राजकीय पक्षों कामे लागी गया है। त्यारे दिल्ली में गुजरात भाजप कोर कमिटी की बैठक आयोजन कर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल दिल्ली पहुंचा है। आगामी 9 और 10 नवेम्बर रोज दिल्ली में भाजप कार्यालय में पार्लामेंटरी बैठक मिलवानी है। गुजरात में छेल्ला 3 दिवसीय अलग अलग बैठकों पर उम्मीदवारों नाम पर मंथन कर आ बैठकों में केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह तेमज भाजपा पार्लामेंटरी बोर्ड सभ्यों निरीक्षकों होदेदार। विधानसभा की चूंटणी पहला मोटा समाचार सामे आव्या। सोमवार बीटीपी और जेडीयू वच्चे गठबंधन की जाहरात थई हती। ठीक एक दिवस बाद पिता पुत्र वच्चे मतभेद सामे आव्यो छे। आ अंगे बीटीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश वसावा और संयोजक छोटू वसावा की जाहरात ने पुत्र महेश वसावाए व्यक्तिगत गणावी छे। पिताए गठबंधन की जाहरात करी हती ज्यारे पुत्रे तेने नकारी छे। गुजरात विधानसभा की चूंटणी जाहिर थतानी साथे ज सूरतनी मुलाकाते आवेला एआईएमआईएम राष्ट्रीय प्रमुख असुद्दीन ओवैसीए वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी पर शाब्दिक प्रहारों कर्या हता। ओवैसीए आक्षेप करता कहूं हतु कि गुजरात में युवाओं ने रोड पर लावी मार मारी तेनी बेइज्जती करवामां आवे छे। एक पत्थर फेंकवा वाला ने रोड पर लावी मारवामां आवे छे परंतु असंख्य लोगों ने मौत मुख में धकेलनारा लोगों सामे कार्यवाही करवामां आवती नथी। मोरबी की दुर्घटना में 50 बाड़कों सहित 150 लोगों जीव गुमाव्यो छता दुर्घटना में जवाबदारों ने लाठी तो दूर की बात है जवाबदारों सामे कार्यवाही पण करवामां आवती नथी। सूरत में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आचार संहिता भंग करयानी घटना सामे आवी छे। कड़ोदरा चौकड़ी पर जाहिर में भाजपा पोस्टर्स चौंटाड़वामां आव्या। जाहिर स्थल पर पोस्टर्स लागता सवालों उठ्या हता। मोरबी झूलता पुल दुर्घटना केस में ओरेवा कंपनी मैनेजर और फेब्रिकेशन कॉन्ट्राक्टर रिमांड माटे डिविजन अरजी करवामां आवी। तपासनी पुलिस टीम द्वारा उपली कोर्ट में अरजी करवामां आवी छे। 9 नवेम्बर रोज अरजी पर सुनावणी हाथ धरवामां आवशे। नोंधनीय छे कि मोरबी पुल हुनारत में 135 लोकोना मौत थया हता। अगाउ आ केस में कोर्टे वधु रिमांड की अरजी नामंजूर करी। अमदावाद महानगरपालिकाए विकास की बातों वच्चे रायखट विस्तार में आवेला चावड़ा मोहल्ला पासे कोर्पोरेशन ने पानी की नवी लाइन नाखवा सप्टेम्बर महीना में खोदकाम कर्यु हतु। पानी की लाइन अर्धे सुधी नाखी त्यारबाद कामगीरी आगळ वधी नथी। खोदकाम कारण रस्ता खाड़ावाड़ा होवाथी अवरजवर में मुश्किली वेठवानो वारो आव्यो छे। खास वृद्ध लोग पड़ी जवानी घटना बने छे। अधूरी कामगीरी करता कोर्पोरेशन अनेक वखत रजूआत करी छता पण कोई उकेल आवतो नथी। अमदावाद मेट्रो शुरू थी त्यारथी कोई ने कोई चर्चा में आ रही है। त्यारे आ वखते जूनी हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन वीडियो वायरल थयो जेमां मेट्रो सुरक्षा दरवाजा खुला जोवा मळ्या। दरवाजा खुला होवा छतां ट्रेन चालू राखवामां आवी हती। सौथी चिंताजनक बात ए होय छे कि दरवाजा नीचे वीज पुरवठानी हाई पावर लाइनो चालू होय छे त्यारे गंभीर बेदरकारीनो वीडियो स्थानिकोए वायरल कर्यो। त्यारे आ बेदरकारीथी सवाल थाय छे कि दरवाजा खुला होवाथी कोई दुर्घटना घटी होय तो जवाबदार कोण। हिम्मतनगर मार्केटयार्ड में मगफड़ी रेकॉर्ड ब्रेक भाव जोवा मळ्यो। हिम्मतनगर में मगफड़ी 1803 ऊंचा भाव बोलाया। गुजरात में सौथी वधु भाव हिम्मतनगर मार्केटयार्ड में बोलाया था। हिम्मतनगर मार्केटयार्ड में 25,380 बोरी मगफड़ी। गोंडल मार्केटिंग यार्ड में गोंडल प्रख्यात मरचा की आवक नोधाई है। सीजन में सौप्रथम मरचा की 2,000 बोरी की आवक नोधाई थी। हराजी में 20 किलो 4,100 से 7,000 सुधीना भाव बोलवामां आव्या हता। जेमां समग्र सौराष्ट्रमांथी खेडूतो मरचाना वेचाण माटे मार्केटयार्डमां आव्या तो राजस्थान यूपी एमपी तेलंगाणा केरला सहितना राज्यमांथी वेपारीओ मालनी खरीदी करवा गोंडल मार्केटिंग यार्ड खाते आव्या हता। केन्द्र सरकारना शिक्षण मंत्रालय द्वारा स्किल हब इनिशिएटिव हेठळ स्किल कोर्सेस तरीके विदेशी भाषाओने पण सामेल करवामां आवी छे। 10 भाषाने स्किल कोर्स तरीके शीखवा मंजूरी अपाई छे। आ 10 भाषा शीखवा माटे यूजीसी द्वारा समग्र देश में 6 यूनिवर्सिटीओनी पसंदगी करवामां आवी जेमां गुजरात की जीटीयू नो पण समावेश थाय छे।
केन्द्र सरकार की सूचना थी यूजीसी द्वारा देश की तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजों पास थी विदेशी भाषाओं की माहिती मंगावाई थी और त्यारबाद यूजीसी रिपोर्ट आधार देश की छ उच्च शिक्षण संस्थाओं ने विदेशी भाषा शीखवा पसंदगी करती। जीटीयू कुलपति नवीन शेठे जणाव्यु के भारत विकासशील देश तरफ आगळ वधी रह्यो छे, गुजरात में विदेश में व्यापार एक्सपोर्ट वधी रह्यो छे। टेडियापाड़ा थी मोबी वच्चे अंदाजित 18 किलोमीटर नुं अंतर छे। चौमासा में भारे वरसाद कारणे मोबी पासे नाळू धोवाई गयु अने ते जग्याए सीमेंटनी मोटी पाइपो भूंगळा नाखीने काम चलाव रस्तो चालू करवामां आव्यो। भारदारी वाहनों माटे हाईवे पर प्रतिबंध मुकायो छे, तेथी भारदारी वाहनों ने टेडियापाड़ा थी नेत्रंग थईने मोबीनी लांबी प्रदक्षिणा करवी पड़े छे। त्यारे भारदारी वाहन चालकोनुं कहेवुं छे कि अमे सरकार ने रोड टेक्स आपीए छीए, छतां समय अने पैसा वेड़फवानो वारो आवे छे। एक नाणाना वांके भारदारी वाहनों माटे हाईवे रोड बंद कराता हाईवे रोड शोभाना गांठिया समा। अमदावाद शहेरना शाहपुर मेट्रो स्टेशन पासे अंदाजित 6 किलो सोना चांदी तेमज घरेणानी लूट थई हती। शहेरनी सीजी रोडनी पेढ़ीमां ट्रेडिंगनुं काम करता बंने कर्मचारीओ नरोडा अने बापूनगरमां दागीनानुं ट्रेडिंग करी शाहपुर मेट्रो स्टेशन पासेथी पसार थई रह्या हता, त्यारे स्पोर्ट्स बाइक पर आवेला शख्सोए लूंट करी हती। बनावनी जाण पोलीसने थता पोलीस तेमज क्राइम ब्रांचनी टीमे सीसीटीवी तेमज सर्वेलन्सना आधारे वधु तपास हाथ धरी छे। अमदावादना सरला गामे घरफोड़ चोरीनो बनाव बनता हाहाकार मच्यो हतो। रघु भरवाड़ नामना युवकना घरमांथी रात्रि दरमियान चोर टोळकीए सोना चांदीना घरेणा सहित रोकड़ रूपियानी चोरी करी होवानी फरियाद बगोदरा पुलिस मथके नोंधवामां आवी। पुलिसने फरियाद मळता पुलिसे घटनास्थळे पहोंची समग्र बनाव मामले तपास। गोंडलनी सबजेलमांथी मोबाइल फोन मळ्यानी घटना सामे आवी छे। अमदावाद स्कॉट द्वारा चेकिंग हाथ धराता बे मोबाइल फोन मळी आव्या हता। सबजेलमांथी फोन मळी आवता खड़भड़ाट मची गयो छे। हाल तो सिटी पोलीसे गुनो नोंधीने तपास हाथ धरी। अठवा पुलिस द्वारा जप्त करायेला वाहनोमां आग लागवानी घटना बनी हती। खुल्ला प्लॉटमां पुलिस द्वारा मुकायेली गाड़ियोमां आग लागता 10 जेटला वाहनो बळीने खाक थया हता। आग अंगेनी जाणकारी फायर ब्रिगेडने मळता ज काफलो घटनास्थळे दौड़ी गयो हतो। पाणीनो मारो चलावीने आग पर काबू मेळवामां आव्यो हतो, जो के सदनसीबे कोई जानहानि थवा पामी नहोती। गीर सोमनाथ जिलाना कोडीनार उना हाईवे पर अजाण्या वाहननी अड़फेटे दीपड़ानुं मौत थयुं छे। कोडीनारना दवड़ी गाम पासे फाटक नजीक दीपड़ानुं अकस्मातमां मौत थयुं। दीपड़ाना मौतना अहेवालने लई वन विभागनी टीम घटनास्थळे पहोंची हती अने वधु तपास हाथ धरी छे। मोडासा हिम्मतनगर हाईवे पर महादेवपुरा पासे ट्रक अने बाइक वच्चे गंभीर अकस्मात सर्जायो हतो। हिम्मतनगर तरफ जता ट्रके बाइक ने अड़फेटे लेता घटनास्थले ज मौत निपजू हतुं। मोडासा रूरल पोलीसे घटनास्थले आवी तपास कर्या छतां मृतक बाइक चालकनी ओळखाण थई शकी नथी, तेनी तपास हाथ धरवामां आवी छे। महाराष्ट्रना पालघर जिल्लाना जवाहर पासे दादरानगर हवेलीना सेलवासथी नासिक आवती बसो सामे धड़ाकाभेर अथड़ाता गंभीर अकस्मात सर्जायो, जेमां 25 થી વધુ મુસાફરો ઇજાગ્રસ્ત થયા તેમજ બસ ડ્રાઈવર પણ ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો। ઇજાગ્રસ્ત લોકોને કુટીર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં। અમીરગઢ તાલુકાના બાલુંદ્રા જતા માર્ગ પર બનાસ નદીના બ્રિજ પર ટ્રેક્ટર અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો। અકસ્માતમાં બાઇક સવાર એક વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે મોત નીપજ્યું હતું, અન્ય એક વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત થતા સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો। અકસ્માતની જાણ સ્થાનિક પોલીસને કરાતા ઘટનાસ્થળે પોલીસ પહોંચી હતી અને કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। अमदावाद मेट्रो में गंदगी करनारा सामे कड़क कार्यवाही करवामां आवशे। मेट्रो कोच ने नुकसान करनार तेमज गंदगी करनार सामे रूपया 5000 सुधीनो दंड अने जेलनी सजा करवामां आवशे। जो कि कोई मुसाफरी दरमियान कोई पेसेंजरनी तबियत बगड़ी तेने होस्पिटल पहोंचाड़वानी जवाबदारी मेट्रोनी रहेशे, जेने माटे मेट्रो रेल कोर्पोरेशने होस्पिटल में 6 एमओयू करवामां। बारडोली तालुकामां आप पार्टी उम्मीदवारना रूपया 20 लाखनी चीलझड़प अने लूटनी घटनामां चाली रहेली आंगड़ियानी तपासमां नवो खुलासो सामे आव्यो, जेमां अमदावाद वडोदरा सूरत नवसारी सहित अन्य शहेरोमां दिल्हीथी हवाला मार्फते 9 करोड़ रूपया जेटली रकम आवी होवानो घटस्फोट छगनभाई आंगणिया पेढ़ी धरावता छगन प्रजापतिए कर्यो छे। आंगणिया पेढ़ीना मालिक छगन प्रजापतिए जणाव्युं के बारडोलीमां बनेली घटना बाद तेओने आ बाबतनी जाणकारी मळी हती, જ્યાં આપ પાર્ટીના ઉમેદવારના લૂંટમાં ગયેલા રૂપિયા 20 લાખની રકમ આંગણિયા મારફતે આવી હતી। દિલ્હીથી અમદાવાદની એક આંગણિયા પીડી મારફત રૂપિયા 9 કરોડ જેટલી રકમ અમદાવાદ વડોદરા સુરત અને નવસારી સહિત અન્ય શહેરોમાં આવી હતી, જેમાં કુલ 108 જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યા હતા। આઈટી વિભાગ દ્વારા મારી સંસ્થામાં તપાસ કરવામાં આવી।
नवसारी चिखली पोलीसे त्रण खंडणी खोरने झड़पी पाड्या हता। एनआरआई ने फोन पर धमकी आपता त्रण शख्सो घेरवाया छे। सीम कार्ड चोरी खंडणी माटे फोन करता पोलीसे छटको गोठवी खेतर में बोलाव्या हता। बाद में एक आरोपी ने झड़प्या बाद अन्य त्रण सामे आव्या हता। છોટાઉદેપુરના સુજી પોલીસે નકલી નોટ અને નકલી ચેક છાપતા શખ્સને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। છોટાઉદેપુરના કવાટના રંગપુર આનંદ નિકેતન આશ્રમથી 19 વર્ષના કૃષ્ણા રાઠવા પાસે નકલી નોટ મળી આવતા ધરપકડ કરવામાં આવી। પોલીસે કોમ્પ્યુટર પ્રિન્ટર તેમજ સોના દરની 6 નકલી નોટ કબજે કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી। વલસાડના છીપવાડ વિસ્તારમાં એક ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી। છીપવાડના ઓદરામનગરમાં આવેલા પ્લાસ્ટિક અને પસ્તીના ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી। घटना ने पगले विस्तार में दौड़धाम मची गई थी। बे फायर फाइटर द्वारा आग पर काबू मेळवी लेवायो हतो। सूर्यग्रहण बाद आज चंद्रग्रहण नो योग सर्जायो छे। आ वर्षनु छेल्लू चंद्रग्रहण छे जे भारत में पण जोवा मळवानुं छे। भारत में चंद्रग्रहण सौथी पहला अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में देखाशे। चंद्रग्रहण पूर्वना शहरों में चंद्रोदय साथे ज देखाशे। चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण पहला समय ने सूतक काल कहेवामां आवे छे। चंद्रग्रहण दरमियान सूतक काल 9 कलाक पहला लागू थाय छे, ज्यारे के सूर्यग्रहण दरमियान सूतक काल 12 कलाक पहला लागी जाय छे। ग्रहण दरमियान सूतक काल नो खूब महत्व होय छे। आ वर्षनु छेल्लु सूर्य चंद्रग्रहण और पूर्ण चंद्रग्रहण छे। चंद्रग्रहण मेष और भरणी नक्षत्र में थई। हिंदू शास्त्र में स्नान अने दर्शन नो अनेरो महिमा रहेलो छे। यात्राधाम शामळाजी में पितृओना मोक्ष माटे कार्तक मास में पितृओना आत्मानी तृप्ति माटे स्नान अने तर्पण करवामां आवतुं होय छे। मेश्वो डेमना किनारे 14मी आखी रात अने पूनमना दिवसे दूर दूर थी हजारों श्रद्धाळुओ परिवार साथे आवे छे। नागदरो कुंड पासे वैदिक पंडितो पूजा विधि की सामग्री साथे उपस्थित होय छे। श्रद्धाळुओ पंडितो पासे पितृ तर्पण की विधि करावे छे। દિલ્હીમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પ્રદૂષણ તેની ચરમસીમા પર પહોંચી ગયું છે, જેને પગલે લોકોને શ્વાસ લેવામાં પણ ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। તમામ દાવાઓ અને વચનો વચ્ચે પણ એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 300થી નીચે નથી આવી રહ્યો। પરાળ સળગાવવા અને પ્રદૂષણના અન્ય પરિબળોના કારણે દિલ્હીમાં હજુ પણ હેલ્થ ઇમરજન્સી જેવી સ્થિતિ છે। હાલ દિલ્હીનો એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 321 પર પહોંચી ચૂક્યો છે, જેથી દિલ્હી ગેસ ચેમ્બરમાં ફેરવાઈ ગયું છે અને લોકોને ઘરોની બહાર નીકળવામાં પણ જીવનું જોખમ હોય તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी मंगलवार 95 वर्षना थया प्रसंगे वडाप्रधान मोदी और संरक्षण प्रधान राजनाथ सिंह तेमना घरे जईने तेमने शुभेच्छाओ पाठवी हती। आ उपरांत गृहमंत्री अमित शाह सहित पक्षना तमाम नेताओं वरिष्ठ नेता ने जन्मदिवस की शुभेच्छाओ पाठवी। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी अडवाणी ने प्रेरणा स्त्रोत गणाव्या। केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कहूं कि अडवाणीए देश समाज और पार्टी माटे महत्वपूर्ण योगदान आप्युं छे। आर्थिक रीते नबड़ा वर्ग माटे 10% अनामतनी सिस्टम पर सुप्रीम कोर्टे पोतानो चुकादो आप्यो। सुप्रीम कोर्टे आर्थिक रीते नबड़ा वर्ग ने अनामत आपवानी तरफेण करी। आ दरमियान जस्टिस महेश्वरीए कहूं कि आर्थिक आरक्षण बंधारणना मूलभूत माळखाने विरुद्ध नथी। जस्टिस बिलायन त्रिवेदी जस्टिस महेश्वरीए ईडब्ल्यूएस ने योग्य गणाव्यो। आ बन्ने 2019 सुधारानी तरफेण करी। जस्टिस पारडीवाड़ाए पण तेनी तरफेण करी छे। ईडब्ल्यूएस पोतानी मान्यताने पड़कारती 30 वधु अरजीओनी सुनावणी बाद कोर्टे 27 सप्टेम्बरे पोतानो चुकादो अनामत राख्यो। ईडब्ल्यूएस अनामत पर सुप्रीम कोर्ट तरफ थी लीली झंडी मळ्या बाद तमाम राजकीय पक्षों की प्रतिक्रियाओं आवी रही छे। एक तरफ भाजपे सुप्रीम कोर्ट ना निर्णय ने मोदी सरकार की सामाजिक जीत गणावी तो कांग्रेसे आ निर्णय सामे पोतानो वांधो व्यक्त कर्यो। कांग्रेस नेता उदित राजे तो विवादास्पद टिप्पणी करता सुप्रीम कोर्ट ने जातिवादी गणावी नाखी। तेमणे कह्युं के सुप्रीम कोर्ट जातिवादी छे तेमां हजु पण कोई शंका छे। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ 5 जजोमांथी 3 बंधारण मुजब ईडब्ल्यूएस कोटा जणाव्यो हतो, જ્યારે ચીફ જસ્ટિસ યુયુ લલિત સહિત 2 જજોએ તેને અયોગ્ય ગણાવ્યું હતું, પરંતુ બહુમતીના હિસાબે મોદી સરકારના નિર્ણયને મંજૂરી મળી ગઈ છે। દિલ્હીના લીકર કૌભાંડમાં ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદિયાની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે। સીબીઆઈ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સિસોદિયાના સહયોગી અને બિઝનેસમેન દિનેશ અરોરા આ કેસમાં સરકારી ગવાહ બની ગયા છે। ગત સપ્તાહે અરોરાને દિલ્હીની કોર્ટમાંથી જામીન મળ્યા હતા, જેનો સીબીઆઈએ વિરોધ કર્યો ન હતો। દિનેશ અરોરાએ સોમવારે કોર્ટને કહ્યું કે તે પોતાની સ્વતંત્ર ઈચ્છાથી સરકારી સાક્ષી બની રહ્યા છે। આ કેસ સાથે જોડાયેલી માહિતી કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાશે। મહાઠક સુકેશ ચંદ્રશેખરે દિલ્હીના ઉપરાજ્યપાલ વિનય સક્સેનાને વધુ એક પત્ર લખ્યો। આ પત્ર દ્વારા સુકેશ કેજરીવાલ સરકારમાં મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈન અને જેલના ડીજી સંદીપ ગોયલ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા।
सुकेश नो दावो छे कि जेल मां तेनो जीव जोखम मां छे। तेणे आरोप लगाव्यो कि सत्येंद्र जैन अने संदीप गोयल तरफथी तेमणे सतत धमकीओ वळी रही छे। एलजी ने सुकेश नो आ तीजो पत्र छे। तेमणे आ समग्र मामले सीबीआई नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस ना पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ी सके। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तपास दरमियान यंग इंडियन में शंकास्पद लेवड़देवड़ की माहिती मिली। जो कि एजेंसी सत्तावार रीते कई कहूं नहीं। कंपनी साथ संकड़ायेला कांग्रेस नेताओं ने फरीथी पूछपरछ में बोला शक्यताओं व्यक्त थी। एक मीडिया रिपोर्ट प्रमाण केन्द्रीय एजेंसी सूत्रों जणाव्युं कि यंग इंडियन में शंकास्पद व्यवहारों मिली आया है। तेमणे कहूं कि शेल कंपनीओ द्वारा 4-5 करोड़ रूपयाना व्यवहारों थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बाकी दलों डीएमके नेताओं साथी पक्षों से मिली 15 नवम्बरे राजभवन सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन करवा जा रहा है। सांसद तिरुची शिवा पण आ विरोध में भाग लेशे। ते समय आ प्रदर्शन ने लई केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्य सरकार वच्चे शाब्दिक युद्ध चाली रह्यु छे। राज्यपाले खुल्लो पड़कार आपता कहूं कि 15 नवम्बरे मारी गैरहाजरी में रेली ना काढ़ो। रेली आयोजन ते दिवसे करो जारे हूँ राजभवन में उपस्थित हो। हूँ ती आवीश और जो तमारा में हिम्मत हो तो जाहिर में जड़। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सतीश लक्ष्मण राय जर्की होली कहूं कि हिंदू शब्दों अर्थ खूब गंदो थे। आ निवेदन की विवाद सर्जायो। भाजपे निवेदन ने हिंदुओं अपमानजनक भड़कावनारु निवेदन गणाव्यु। जरकोली बेलगवी जिला में एक कार्यक्रम में कहूं कि हिंदू शब्द क्या शू आ आपू पार्शियन ईरान इराक उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान भारत साथ शू संबंध है तो हिंदू शब्द तमु के थोड़े कहूं कि आ मुद्दे चर्चा थवी जी हम व्हाट्सअप और विकीपीडिया पर जुओ आ शब्द तमो नहीं तो पची ते माथा पर केम चढ़ाने राखो। मध्यप्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह हमेशा पोताना निवेदनों कारण चर्चा विषय बने। एक वीडियो वायरल थी रो दिग्विजय सिंह पाड़ा साथ डांस करता जोवा मळी रह्या छे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्यप्रदेश पहुंचवानी छे। आवी स्थिति में राज्य गृहमंत्री दिग्विजय सिंह वीडियो पर कटाक्ष कर्यो। आ वीडियो ने ट्वीट करीने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लख्यू कि तेलंगाणा में गोवर्धन पूजा अवसर पर पूजवामां आवता प्राणी ने सदर कहेवामां आवे छे। एक पाड़ा की किंमत रूपया 3-4 करोड़ सुधी छे। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार सुप्रीम कोर्ट में मोटी राहत मिली थी। झारखंड हाईकोर्ट में चाली रहे लीज फारमणी केस ने सुप्रीम कोर्टे सुनावणी योग्य मानी नहीं। आ किस्सा में झारखंड हाईकोर्टे लीज की फारमणी और तेमना निकटवर्ती द्वारा शेल कंपनीओं में रोकाण संबंधित अरजी ने सुनावणी योग्य मानी थी। जे निर्णय ने झारखंड सरकार और सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में पड़कार्यो। फरजियात हिजाब के विरुद्ध में ईरान में सरकार सामे घणा दिवसों विरोध प्रदर्शन चाली रहा है तेरे विरोध की आग हवे भारत केरल राज्य सुधी पहुंची गई। केरल कोझिकोड में हिजाब पहेरी विरोध प्रदर्शन करता दरमियान लोग ईरान में हिजाब विरोधी चळवळ ने पोतानो टेको आप्यो। आ प्रदर्शन में मोटी संख्या में महिलाओं जोड़ाई थी।